हाय गाइस, क्या हाल चाल है। आज आप लोग देख रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे गोदाम में हूँ। तो भाई आज हम लोग आए हुए हैं रॉयल इनफील्ड रॉयल मोटर वर्क्स, और यहाँ पे हम लोग एक एक्सक्लूसिव गाड़ी को जो है कवर करने आए हैं। हालांकि वो गाड़ी की वीडियोस बहुत आई हैं, बट मैंने उसको नहीं कवर किया है। और हमारे शोरूम यानी रॉयल मोटर वर्क्स इंजीनियरिंग कॉलेज पे जो पड़ता है, वहाँ पे वो गाड़ी आई हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने लखनऊ में उसकी कितनी प्राइसिंग है और वो गाड़ी कैसी है दिखाया जाए और उससे रूबरू कराया जाए। तो भाई सामने देख सकते हो वो गाड़ी जो है, यहाँ पे देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की शॉर्ट गन 650 है। और आज हम लोग कवर करेंगे इसी गाड़ी को, इसी की प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स बताने वाले। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारे सामने देख सकते हो शॉर्ट गन खड़ी है, और शॉर्ट गन की है ये चाबी देख सकते हो। वेव फॉर्म में हमको जो है चाबी मिल जाती है, और चाबी में जो है कोई भी ज़्यादा जो हमको चेंजेस नहीं मिलता है। रॉयल इनफील्ड की यहाँ पे लोगों की बैचिंग मिल जाती है चाबी के ऊपर, और चाबी आप लोगों ने देख ली। और सामने से आपको जो है शॉर्ट गन 650 कुछ इस टाइप से लगती है। अभी हमारे पास जो है ये ग्रे कलर में है, और देख सकते हो कि गाड़ी जो है कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और गाड़ी में लगाते हैं कि, और फिर आपको जो है इसके जो है हेडलाइट्स का थ्रो दिखाता हूँ और DRLs दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो भाई, ये हैं कुछ इस तरह से इसकी हेडलाइट्स लगती है। और इसमें देख सकते हो किनारे किनारे जो है LED लाइट्स आ गए हैं, और इसमें आगे आपको जो है हैलोजन बल्ब भी मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पे हमको जो है शोवा के अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और गाड़ी में बात करें, पूरा जो है लगभग मेटल का ही यूज़ किया गया है, मेटल का ही ये हमको जो है फेंडर मिलता है। साथ में इसके ऊपर हमें रॉयल इनफील्ड की बैचिंग मिल जाती है। बात करें इसके इस साइड अगर हम बढ़ें, तो यहाँ पर अगर हम इसके टायर्स की प्रोफाइल के बारे में बात करें, जो कि हमारी 190 सेक्शन का जो हमको टायर मिल जाता है। और एलॉयस के बारे में हम बात करें, पहले तो मैं बता दूं कि इसका एलॉयस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एलॉयस की अगर हम बात करें ना, तो 18 इंच के हमको एलॉयस मिल जाते हैं। सामने देख सकते हो हमको जो है फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक मिलती है, काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक मिलती है। डिस्क ब्रेक हमारी जो है 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। गाड़ी हमारी डुअल चैनल ABS पे है, यहाँ पे हमको ABS की प्लेट भी मिल जाती है। और गाड़ी में जो है हमारे बाइब्री के जो है ब्रेक कैलिपर्स लगे हुए हैं। आगे से सेक्शन अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो आगे साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है रेडिएटर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और अभी हम इंजन की भी बात करेंगे, साथ में जो इसकी फिनिशिंग की बात करेंगे और गाड़ी देखने में कैसी लग रही है। उससे पहले मैं आपको जो है इसका पीछे वाला जो है टायर की प्रोफाइल हम आपको बता देते हैं। तो पीछे वाले अगर हम टायर की प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे का जो टायर की प्रोफाइल आपको मिलती है 150/70/17 inch की टायर प्रोफाइल, यानी कि 150/70 है। और पीछे का जो अलॉयस व्हील का साइज है ना, वो आपको 17 inch का मिलता है। पीछे अगर हम डिस्क ब्रेक की बात करें, जो कि यहाँ पे देख रखी हुई है, डिस्क ब्रेक पीछे वाली भी काफ़ी बड़ी है, और बाइब्री के जो है ब्रेक कैलिपर्स लगे हुए हैं। तो पीछे की जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्क ब्रेक, 300 mm की जो है हमको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। गाड़ी में हमारे C8 के जो है टायर्स इस्तेमाल करे गए हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, पीछे देख सकते हो कि गाड़ी में जो हमको डुअल एग्जॉस्ट मिलता है, और काफ़ी अच्छा ज़्यादा इसका लुक लगता है। पीछे हमें जो है टेल LED लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो नंबर प्लेट लिखी हुई है, और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए हमको लाइट मिलती है छोटी सी। यहाँ पे नीचे साइड में हमको जो है रिफ्लेक्टर मिल जाता है। टेल टाइडी की बात करें, टेल टाइडी में ज़्यादा सेक्शन नहीं देके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात करें, ये सब जो है हमारा गाड़ी की जो पूरी बॉडी है वो मेटल में यूज़ करी गई है। सीट के बारे में अगर हम बात करें, तो ये सीट अगर आप चाहो तो हटा सकते हो, वैसे सिंगल सीट इसमें आती है। और गाड़ी देखने में आपको कैसी लग रही है आप हमें बता सकते हो। टैंक पे देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक्स कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। रॉयल इनफील्ड का यहाँ पे लोगो है, सटल लोगो है, ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ, और नया पावर और जो मज़ा आ रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। पीछे अगर हम इसके साइड कवर्स पर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 650 ट्विन शॉट गन, तो काफ़ी बढ़िया है। इंजन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की जो है यहाँ पे बैचिंग मिल जाती है इस इंजन के अंदर भी जो लिखा हुआ है। और अगर हम लोग इसको उस साइड से हम बताएं आपको कि इस गाड़ी में हमें इंजन कितना मिलता है, इस साइड से भाई यहाँ पे इंजन देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और इसके ऊपर ग्लॉसी इफेक्ट भी आ रहा है। साथ में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की हमको बैचिंग मिलती है, जो कि 3D में बैचिंग मिलती है, और काफ़ी खतरनाक जो है हमको इसकी बैचिंग लग रही है। इंजन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें जो है 648 cc का इंजन मिल जाता है, 4-stroke SOSC का इंजन मिलता है, जो कि हमारा एयर कूल्ड है। और पावर हमारी ये बहुत गजब की प्रोड्यूस करता है, 47.65 PS पावर प्रोड्यूस करता है, और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। तो भाई पावर के मामले में काफ़ी बढ़िया है। बाकी साइड से अगर मैं बात करूँ, तो इसकी प्रोफाइल आप देख सकते हो, साइड से प्रोफाइल इसकी कितनी खतरनाक लगती है। पीछे वाले सस्पेंशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमको जो है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सीट हाइट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें जो हमको 795 mm का सीट हाइट मिल जाता है। गाड़ी के जो फ्रेम के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमको जो है डबल क्रेडर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया हुआ है। गाड़ी हमारी काफ़ी बढ़िया लगती है उन्ना देखने में। सो यार, अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पे पहले तो हम दिखा दें कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी जो है काफ़ी
डिसेंट सी है 13.8 लीटर्स की, मेरे हिसाब से कम जो है 16 से 17 लीटर के फुल टैंक कैपेसिटी देनी चाहिए थी। माइलेज अभी आपको बताएंगे, जो कि माइलेज आप सुन के जो है हैरान नहीं होगे क्योंकि काफ़ी बढ़िया माइलेज है। और गाड़ी में जो है फ्यूल टैंक के लिए देख सकते हो आपको इसका लॉक खोलने के लिए कितने अच्छे डिज़ाइन से बनाया गया है, यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की बैचिंग मिल जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके हैंडल्स की तरफ, तो इसका हैंडल आप देख सकते हो सिंगल लोड हैंडल इसमें इस्तेमाल करा गया हुआ है और यहाँ पे आपको जो है रॉयल एनफील्ड की जो है बैचिंग मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है। ये सब जो है इनक्रेव करी गई हुई है बैचिंग, तो काफ़ी बढ़िया लगती है। हैंडल्स पे भी जो है हमको रॉयल एनफील्ड की जो है यहाँ पे बैचिंग मिल जाती है और इस साइड भी हमको मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको हेडलाइट को जो है लो बीम हाई बीम करने का जो बटन मिल जाता है, बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिकेटर्स का जो है हमको बटन मिल जाता है, यहाँ पे हमको हॉर्न साउंड मिलता है। हॉर्न साउंड भी आपको सुनाऊंगा, बुलेट का हॉर्न साउंड आपको पता ही है कि बहुत एक नंबर होता है, तो हॉर्न साउंड काफ़ी बढ़िया है। और राइट हैंड साइड पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से होता है भाई इंजन स्टार्ट, बंद करना है किल स्विच बटन, सब जो है तीनों एक ही में दे दिया। और यहाँ से जो है हमको हैजार्ड का जो है बटन मिल जाता है जो कि हमारे हैजार्ड लैंप ऑन करा देता है। अब हैजार्ड लैंप्स जो है ऑन हुए हैं तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से आपके जो है इंडिकेटर्स ऑन होने के बाद ऐसे लगते हैं। बाकी आपको गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। सीट कंफर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ का राइडर का सीट कंफर्ट जो है काफ़ी बढ़िया है, पिलियन का सीट कंफर्ट भी जो है काफ़ी बढ़िया है। बाकी हम बात करें इस साइड जो है हमको फुटरेस्ट की क्वालिटी के बारे में, तो ये फुटरेस्ट की क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है। रॉयल इनफील्ड अपनी फुटरेस्ट की क्वालिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया है। इसमें हमें जो है सिंगल स्टैंड मिल जाता है, मेन स्टैंड मिल जाता है, गाड़ी में जो है हमको 6 गियर मिलते हैं। ये इस बात की आप बहुत बढ़िया है कि इसमें 6 गियर मिल रहे हैं क्योंकि गाड़ी हमारी जो है क्रूजर सेगमेंट में आती है और गाड़ी भागने में भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप लोग जो है ये गाड़ी बेझिझक ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो इधर साड़ी गार्ड मिलता है और गाड़ी एक नंबर लग रही है फिलहाल देखने में। अब हम लोग बात करते हैं इसके मीटर की तरफ, तो इसका मीटर बंद करते हैं और करते हैं ऑन। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस साइड जो है लिख के आता है रॉयल इनफील्ड ट्रिपर और बिल्ड विद गूगल, अपना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, हेलमेट जो है आपको बताएगा पहना है नहीं पहना है कनेक्ट करने के बाद, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे जो हमको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, सेमी डिजिटल हमें जो है इसमें मीटर मिलता है और यहाँ से हम मोड से जो है ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर सब जो है यहाँ से कर सकते हो। गाड़ी के एवरेज के बारे में बात करेंगे उसके बाद यहाँ देख सकते हो फ्यूल गेज मीटर मिल जाता है, ऊपर आपको स्पीडोमीटर ओडोमीटर जो एनालॉग में मिलता है, यहाँ पे सारे वार्निंग लाइट्स देख रखे हुए हैं, ABS का भी जो है यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है और यहाँ पे अभी हैजार्ड लैंप ऑन है तो उसका जो है आइकन दिख रहा है। बाकी अभी हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है सुनाना चाहेंगे इसका साउंड। तो ये है कुछ इसका आइडियली साउंड, आप लोग एक बार सुनो। अब करने जाता हूँ इसको थोड़ा सा रेव और मज़ा आ जाएगा सुन के आपको। कैसा लगा भाई इसका साउंड आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो। उसका साउंड तो यार मेरे को भी जो है इसका काफ़ी अच्छा लगा। बुलेट है, बुलेट अपने जो साउंड के लिए फेमस है तो सही में जो है साउंड के लिए ये फेमस है और काफ़ी बढ़िया इसका लुक आता है। अब देखो यहाँ पे जो है सारी इसकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने से कुछ इस टाइप से लगती हैं, LED लाइट्स मिलती हैं तो काफ़ी बढ़िया इसका जो है फोकस होने वाला है। बाकी यार देखो इसमें मॉडिफिकेशन आप बेधड़ाक बहुत सारी मॉडिफिकेशन करा सकते हो। बाकी अगर हम बात कर ले इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसकी प्राइसिंग कितनी है और अगर आपको ये गाड़ी लेनी तो कहाँ ले सकते हैं। यार शॉटगन के माइलेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइलेज हमें मिल जाता है बहुत आराम से 20 से 22 किलोमीटर का माइलेज, जो कि काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि 650 की है प्लस 650 cc की गाड़ी मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, माइलेज भी ठीक दे रही है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप लोग जो है इसको गौर कर सकते हैं, इस पर अपना नज़र डाल सकते हो। तो भाई खरीदनी है शॉटगन 650 तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा रॉयल मोटर वर्क्स, जो कि हमारा पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज के पास। यहाँ पे हमारा शोरूम है, ये है रॉयल मोटर वर्क्स, आपको यहाँ पे सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और गाड़ी अभी जो हमारी यहाँ खड़ी थी इसलिए हम लोगों ने कहा कि थोड़ा शांति में जो है आपको वीडियो दिखाते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग आपको एक शोरूम जो पड़ेगी 359,430 रुपीज़ की, और ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करें जो कि हमारे लखनऊ में पड़ने वाली है वो है 417,297 रुपीज़ की, यानी कि 418,000 मान लो सीधे सीधे। और गाइस अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी तो आपको पता ही है कि रॉयल मोटर वर्क्स पे कॉल करना है, जो कि आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, कोई भी क्वेरी आती है तो नंबर पे कॉल घुमाइए और आप लोग जो है ये गाड़ी खरीद सकते हैं। बाकी इसके हिडन फीचर्स और रील देखने के लिए भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई स्वप्निल ऑटोमोटो को जाके फॉलो करो, वहाँ पर आपको जो है इसके हिडन फीचर्स और इसकी रील्स देखने को मिलेंगी। बाकी कौन सी गाड़ी की वीडियो चाहिए आप हमें कॉमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गाइस जय वंदे मातरम।